तो भाई आप सभी का स्वागत है दुनिया की सबसे ऊंची भगवान श्री कृष्ण जी की लेक पे। चलो चलो चलो, श्याम चूड़ी बेचने ललिता ने सुनी राधा से कही को तुरंत बुलाया। मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के बज चुके हैं 7:30 और हम उठ चुके हैं और सामने पहाड़ों पे जो है ना भाई ताबड़तोड़ वाली धूप लग चुकी है और नज़ारा आपको भी दिखाते हैं कि कैसा रहने वाला है, क्या नज़ारा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। सो आप ये नज़ारा सामने आप पहाड़ देख सकते हैं और अभी हमने चढ़ना है जस्ट यहाँ से ऊपर, यहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे, ये जो ऊपर से खड्डा आ रही है इसके जस्ट ऐसे 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 ऊपर जाएंगे और इसके बैक साइड पे हमारी जो है लेक है तो आपको दिखाएंगे अभी। सो यहाँ पे ऊपर लेक है, सो ये नज़ारा आप देख सकते हो, हमने बस जैसे ही उस रीज के ऊपर चढ़ना है, ये जो ऊपर है तो ये नज़ारा आप देख सकते हो और सामने ये पहाड़ों का नज़ारा तो आप देख ही रहे होंगे अमेजिंग सा। सो दीपक सर अभी मॉर्निंग कॉल यहाँ से हो रही है भाई, यहाँ पे फुल सिग्नल है, ताबड़तोड़ वाला सिग्नल है और दीपक सर इस टाइम पूरे उसमें मूड में आ चुके हैं और भाई अंदर अंदर मैं आपको दिखाऊं तो भाई ये देखो दो दो बंदे इस टाइम स्ट्रगलेबल काम कर रहे हैं और अजय भाई भी लगे हुए हैं। अजय भाई गुड मॉर्निंग। ये भाई ये देख सकते हो आप, पूरा स्ट्रगल चला हुआ है और भाई एक बंदा हमारा यहाँ पे लगा हुआ है लकड़ियाँ काटने और ये भाई जैसे मिल रहा है सब कुछ, हम निकल चुके हैं सफ़र पे और देखते आगे क्या बनता है, कैसे रहता है। सो लेके चलते हैं आपको दुनिया के सबसे ऊंचे भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर युलाकंडा पे। तो अभी जाएंगे हम जो हमारे पीछे ये ऊपर आपको रिज दिख रहा है इसके पीछे जाना है ना, तो इनको जाने दो, ये भी ट्राई कर रहे हैं, ये भी ट्राई कर रहे हैं जाने की जो सामने दिख रहे हैं। तो हमने अभी ऊपर चढ़ना है, आपको दिख रहा होगा ऊपर तो उसके बैक साइड पे जाना है। देख सकते हो सफ़र पे निकल चुके हैं और हम चढ़ने वाले हैं बिल्कुल सीधा ऊपर और भोलेनाथ की नगरी हर हर महादेव करते हुए और यहाँ से जाएंगे हम सीधा ऊपर, थोड़ा सा तो स्ट्रगलेबल होना चाहिए। तो ये जा रहे हैं इधर है ना, सो ये आप देख सकते हो आराम से चढ़ने का है, यहाँ से हम जाएंगे ऊपर और ये जा रहे हैं इधर से, हम जाएंगे उधर से। तो ये कुछ ऐसा है, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्राय। से ऊपर चढ़ें तो ये सामने से आप रास्ता देख सकते हो, ये रास्ता ऊपर आ रहा है और ये जो दो पेड़ है इनको आप माइंड में रखें और ये माइलस्टोन रखें सीधा, तो आप यहाँ से रास्ता है ऊपर सीधा और यहाँ से ऊपर चढ़ना है। एक रास्ता परली साइड से भी है बट वो लॉन्ग पड़ता है, ये थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई है, तो यहाँ से सीधा ऊपर चढ़ना है और यहाँ से ऊपर ऊपर और ये जो ऊपर माउंटेन दिख रहा है उसके परली साइड जाना है और थोड़ा सा आगे चलना है तो आपको वहाँ से आपको जो युलाकंडा वाली लेक है वो मिल जाएगी। वैसे तो रास्ता ये वाला भी है, रास्ते आपको यहाँ पर चारों तरफ ऐसा लगेगा कि रास्ते ही हैं बट ये रास्ता आपको दिख रहा है सामने, इसी तरह रास्ता ऊपर जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये दो पेड़ों को याद रखना और ये जो सामने वाली पहाड़ी है, सूरज आप देख सकते हो भाई ताबड़तोड़ खिला रखा है और ये मौसम का नज़ारा है, सालू ऊपर बैठ चुका है। हमारी दूसरी टीम जो है बाकी चार बंदे परली साइड से आ रहे हैं और पूरा स्ट्रगल करते हुए हमारे से पहले पहुँचेंगे भाई, ये सामने जो आ रहे हैं इनविजिबल बाइकर एपिक रैम्बलर देन रैम्बलिंग बाउंड्री, अभी बाउंड्री से नीचे है और एपिक पहाड़ी, जैसा नाम वैसे काम ऊपर को गया है। सो भाई वो ये रिज क्रॉस करके परली साइड घुस चुका है। सो भाई ये है, ये देख सकते हो आप, जब मेले के टाइम पे बारिश होती है तो इसके नीचे छुपने के लिए, बैठने के लिए बारिश के टाइम पे, और ये बर्फ़ के वो लटके हुए हैं जो भी लटके हुए हैं, अभी इतनी सी हाइक हमने कर ली है और इनविजिबल बाइकर इनविजिबल हो चुका है। ये ऊपर बैठ चुका है और भाई नज़ारा तो आप ले ही रहे होंगे और वो सामने से देखो रास्ता, भाई रास्ता है सामने से ऐसे और सीधा चला गया
और ये पर लिखा था कि वो दो पेड़, उसके बाद ये जो ये बोल्डर वाला स्ट्रेच है ये, देन आप इसके ऊपर चढ़ोगे और वो देख सकते हो आप, वहाँ पे चढ़ना है बस, उसके पहली साइड आपको मिलेगा हरे कृष्णा। देख सकते हो आप बर्फ जम चुकी है और अभी हमने ऊपर चढ़ा, दिख नहीं रहे हैं। सो ये नज़ारा आप ले ही रहे हो हमारे साथ कल से। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेके जा रहे हैं हम ऊपर, अभी हम उस इस रेंज पे आ चुके हैं, ये सामने आप देख सकते हो माउंटेन रेंज। और भाई अभी इस पहाड़ के पहली साइड चढ़ना है यार, बहुत स्ट्रगल है। अभी हम आप समझ सकते हो ये इंक्लाइन है, यानी कि नियर अबाउट 60 डिग्री का इंक्लाइन चढ़ रहे हैं हम। नीचे को देखो भाई, ये सालू खड़ा, देखो टांग का एंगल देखो, इससे आप समझ जाओगे कि कहाँ खड़े हम और वो नीचे आ रहे हैं। अगर मैं जूम करूँ तो एक यहाँ खड़ा है, एक और नीचे बैठा है मूर्ति बन के, एक और नीचे से चढ़ रहा है ऊपर, एक तो और नीचे है। और भाई अजय भाई फुल इन मूड में आ चुके हैं। सो भाई नज़ारा तो आप ले ही रहे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और ये बर्फीली चोटी का नज़ारा। ओह आप पहुँचे। सो झंडा आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, ये देखो झंडा हमारे को दिख चुका है। सो मतलब चुल दे, मंदिर में हम पहुंच चुके हैं, चंडे चुल दे दरबार, लेके चलते हैं अभी ये चंडे चुल दे। करीबन करीबन 250-300 meters या 300 meters के करीब करीब अभी झंडा है, फिर वहां से नीचे उतरेंगे। हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, जय करो बोले शंकर दो बोल सच्चे दरबार की जय। भाई हां नहीं आज जो मेरे दुलाया मुआ छाती अभी उड़ी की। ये तो आप देख ही रहे हो ना ब्यूटी, ये है हमारे हिमालय। यूला कांडा में आप सभी का स्वागत है। और ये नज़ारा भी, मंदिर के पास पहुंचे नहीं हम, बट ये नज़ारा आप देख सकते हो, ये झंडे लगे हुए हैं ऊपर और ये बर्फ भाई कितनी ऊंची आप देख सकते हो। वही वही और ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो स्नो लाइन पे चल रहे हैं और नीचे भाई देख सकते हो खाई आप कितनी गहरी है। यहाँ से लेंस स्लाइड करेंगे अभी और नज़ारा आप ले ही रहे हो हमारे साथ। अभी नज़ारा तो आप देख रहे हो भाई, ये भी भाई आप सभी का स्वागत है दुनिया की सबसे ऊंची भगवान श्री कृष्ण जी की लेक पे। तो यह है यूला कांडा लेक और आप हो अभी हमारे साथ वर्ल्ड हाईएस्ट यूला कांडा में। और ये नज़ारा तो आप ले ही रहे हो हमारे साथ, वाव वाली फीलिंग आ रही है। और अभी जा रहे हैं हम नीचे, हमने थोड़ी सी गुस्ताखी कर ली, हमारे को वहाँ से आना चाहिए सूखे सूखे से और दर्शन करने के लिए भाई अमेजिंग वाला स्ट्रगल होगा। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक तितली दिख रही है और सालू हट बैठ थाले बैठ थाले, इनविजिबल होगी से बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल। ओए 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 जोरों शोरों से हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। और हमारी टीम ताबड़तोड़ तरीके से पूरे जोश के साथ, और यहाँ पे हमारे भाई जी परे पूरे जोशों के साथ चढ़ चुके हैं इस सीजन में 2023 में यूला कांडा में पहुंचने वाली ये टीम पहली टीम है बर्फ में। सो ये नज़ारा देख सकते हो आप नीचे चले गए। सो भाई ये नज़ारा देख सकते हो आप चारों तरफ, हमारे ये टीम है हमारी सारी और कुछ पीछे आ रहे हैं। तो यूला कांडा 2023 में यानी कि अप्रैल मंथ, आज तारीख क्या है, 7-8 है, 8 तारीख को हम यूला कांडा पहुंचे हुए हैं। सर्दी यूला कांडा में 2023 में 8 तारीख अप्रैल मंथ में पहुंचने वाली ये हमारी पहली टीम है इस सीजन की। सो ये आप देख सकते हो, ये हिमालयन ट्रैकर, एपिक पहाड़ी, इनविजिबल बाइकर, ये उत्तराखंडी, वो पीछे रैमलिंग बाउंड्री, ये पता नहीं क्या मंत्र पढ़ रहे हैं हाथ खोल खोल के। सो देख पा रहे हो भाई ये नज़ारा आप देख सकते हो,
बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और इस सीज़न में 2023 में यूलाकांडा पहुंचने वाली ये 6 बंदों की टीम आप देख सकते हो माउंटेन रेंज पे खड़ी हुई है। बैठ जा ले। सो भाई ये नज़ारा बाबा पैरो बड़ी की बर्फ आ रहा। ओ भाई ये क्या कर रहा है। चल पंकु मैं नेड़े भी आ गया। चल हर हर महादेव। चलो 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय। अजय भाई पहुंच चुके हैं मंदिर में दर्शन करने। देख सकते हो आप दीपक देखो कितने हैं। और ये दीपक जब जन्माष्टमी होती है तब जलाए जाते हैं। बहुत सारे दीपक है, पूरा कमरा दीपक से जल भरा हुआ है। और यहाँ पे आप भी है बर्फ पड़ी हुई, धूप भी है, बर्फ गिर चुकी है। और ये नज़ारा तो आप ले ही रहे हो। ये है सारा के सारा बर्फ तोड़ दिया इन्होंने। और चौहान फंस गया पार मंदिर के पास। सो भाई चौहान बच गया। सो बोल भाई श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो अभी जा रहे हैं हम बांके बिहारी जी के दर्शन करने। और बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है ये आप देख सकते हो। और रास्ता उन्होंने बर्फ तोड़ दी। सो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं दुनिया के सबसे ऊंचे बांके बिहारी जी के मंदिर में यूलाकांडा में। और अभी हम हैं कंडा हाई टॉप पे। और यहाँ से आप नज़ारा तो देख ही पा रहे होंगे जो सामने हैं वो भाई वो सामने बैठे हुए हैं। और अभी जाएंगे हम अंदर। और ये स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, ये देखो भाई। और अंदर है भगवान श्री कृष्ण जी की अलौकिक मूर्ति। और आपको लेके चलते हैं अंदर। देख रहे हो ये कर रहे हो अद्भुत अलौकिक दर्शन। ये है श्री बांके बिहारी श्री मथुरा नरेश श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति। और अद्भुत सा मंदिर बुद्ध है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे माखन खाते हुए श्री लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी मेरी लाडली सरकार जी जो अधिष्ठात्री देवी जी हैं। और यहाँ पे हैं जो एक्चुअल राधा जी की दर्शन की फोटो। भाई बहुत प्यारी फोटो है, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली। सो भाई ये वाली बहुत प्यारी फोटो है। राम दीपो ज्योति नमस्तुभ्यम ओम क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्म धे सरस्वती कर्मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समापन विघ्नम कुरु देवम सर्वकार श्रद्धा गजाननम भूतगणादि सेवितम कृतजम बलचार वक्षणम उमासुतम सौपिनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम ओम श्री राधे कृष्ण वल्लभाय ओम यूलाकांडाय नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम महाराणी मेरी राधाराणी मेरी लाडली सरकार मेरी स्वामिनी मेरे प्रभु सभी को शांति देना सभी को सुख समृद्धि देना सबको शांति देना सबकी इच्छाएं पूरी करना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्भवेत्। श्याम चूड़ी बेचने आया, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, मुझे श्याम रंग है भाया। श्याम चूड़ी बेचने आया, मुझे श्याम वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, ललिता ने कनी
राधा से कही, ललिता ने सुनी राधा से कही, को तुरत बुलाया श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का बे लगे तुम हो छलिया बड़े, और राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े। धीरे से हाथ बढ़ाया श्याम चूड़ी बेचने आया, हारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया, कहने लगी तम चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, मुझे श्याम रंग है भाया श्याम चूड़ी बेचने आया, गलियों में शोर मचाया श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम पहनाने लगे राधा पहनन लगी, पहनन लगी श्याम पहनाने लगे, धीरे से हाथ दबाया श्याम चूड़ी बेचने आया, धीरे से हाथ दबाया श्याम चूड़ी बेचने आया, रीका भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया, हारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ से निकल रहे हैं नीचे वापस, और ये है दुनिया की सबसे ऊंची भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर, और जो बनाया लेक के बीच में, और यहाँ से ये जो दो पहाड़ हैं इनके बीच से परली साइड रिज चला जाता है और वो निकलता है काज्जा में, और यहाँ से अभी हम जाएंगे नीचे जो है किन्नौर वैली, जो है ये है सारी रोरा वैली, अभी जहाँ पर अभी हम खड़े हैं ये सारा रोरा वैली है, इसके इस साइड इसके परली साइड जो पिन बाबा पास की स्टार्टिंग होती है वो इसके परली साइड से जाता है। सो आप ये नज़ारा देख सकते हो, माउंटेन रेंज देख सकते हो भाई, अमेजिंग सी माउंटेन रेंज है, और भाई एक तितली घूम रही है यहाँ पे, बहुत प्यारी लग रही थी वो। अभी हम जैसे कि आपको पता है अभी हम पहुँच चुके हैं दुनिया के सबसे ऊँचे लॉर्ड कृष्णा मंदिर में, और यहाँ पे ये जो मंदिर है ये बनवाया गया था पांडवों के द्वारा, और ये जो लकड़ी का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये बनाया गया था 4/9/2015 में, और यहाँ की जो मान्यता है यहाँ पे ये आपको यहाँ पे ये मंदिर जो है झील के बीच में है, तो ये जो झील है ये अमृत झील के नाम से भी जानी जाती है, और यहाँ से अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो ये टिब्बा दिख रहा है उसके पहली साइड है पांडवों की खेती, जब पांडव यहाँ पे अज्ञातवास के टाइम पे यहाँ रहते थे तो पांडव यहाँ पे खेती करते थे, तो जो एक जौ टाइप में होते हैं वो हैं यहाँ पे, तो ये नज़ारा आप ले सकते हो और बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है, आप भी आओ। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हरे कृष्णा कमेंट में ज़रूर लिखें, और मिलते हैं आपसे नई जगह पे नई लोकेशन के साथ, तब तक जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, और अपने ब्लॉग को देते हैं यहीं पर विश्राम। भाई ये देख सकते हो आप कितने जोरों शोरों से लगे हुए हैं, अजय भाई तो चौकड़ी लगा के बैठ चुके हैं, और ये बंदा तो फुल को के रेडी भी हो गया, और एक देखो ये दराट लेके पूरे जोश में आ चुका है।